सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और साथ ही में बेल आइकन दबाएं यूजफुल टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं वीवो S1 के एक कैमरा रिव्यू। वीवो S1 को मैं लास्ट कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग इसका कैमरा रिव्यू देखेंगे और देखेंगे इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, फ्रंट में से और रेयर में से क्या कुछ पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, फ्रंट में सेल्फी वीडियो कैसा है, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों कैमरा स्पेक्स अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे वीवो S1 में जो है आप लोगों को देखने को मिलता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। और ये जो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन जो अलग अलग कैमरा दिया गया है उसमें से मेन जो सेंसर है वो है 16 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का सेंसर के साथ आप लोगों को यहाँ पे एक वाइड एंगल कैमरा जो कि है 8 मेगापिक्सल का वो देखने को मिल जाता है और साथ ही में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और साथ ही में फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में कोई भी फ्लैश नहीं दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों डेलाइट में फोटोज़ जो है फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, फोटोज़ में काफ़ी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं और फोटोज़ का जो डायनेमिक रेंज है काफ़ी अच्छे आते हैं। ऑटो HDR मोड में अगर टर्न ऑन करके फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे HDR जो फोटोज़ आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। ओवरऑल फोटोज़ में काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रास्ट और स्काई का जो क्लाउड्स है वो भी काफ़ी क्लियरली शो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फोटोज़ में अगर आप लोग देखेंगे जो HDR फोटोज़ है वहाँ पे जो लो लाइट एरियाज़ है या फिर जो शैडो एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ही कम डिटेल देखने को मिलता है, कभी कभी बहुत ही डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल HDR फोटोज़ देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि कलर्स इनका जो देखने में लगता है टुवर्ड्स नेचुरल कलर नहीं होता है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा बूस्टेड थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर्स आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, अगर आप लोगों को फोटो ऑलरेडी एक एडिटेड वाला फोटो यानी कि आपको सोशल नेटवर्क में रेडी टू शेयर फोटोज़ चाहिए तो आप लोगों को वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप फोटो कैप्चर करने के बाद डायरेक्टली उसको शेयर कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट लेवल या सैचुरेशन लेवल इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नेचुरल फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं यानी कि अगर आप लोगों को नेचुरल कलर्स पसंद है, जो एक्चुअल कलर्स है वो पसंद है, तो आप लोगों को ये कैमरा उतना इम्प्रेस नहीं करेगा। और साथ ही में वाइड एंगल जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, उससे आप एक वाइड पर्सपेक्टिव वाला फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सेम जगह पे खड़े होकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही लार्ज एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं। और ये वाइड एंगल कैमरा काफ़ी काम में आता है, कभी कभी जब आपके पास बैक में जाने का ऑप्शन नहीं रहता है तो सेम जगह पे खड़े होकर आप वाइड एंगल कैमरे से फोटो कैप्चर करेंगे तो एक पूरा एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि वाइड एंगल कैमरे में यहाँ पे डिटेल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन कम है और उसके साथ साथ यहाँ पे कलर्स भी थोड़े मार खा जाते हैं, कलर्स भी थोड़े वॉश आउट टाइप यहाँ पे देखने को लगते हैं। क्लोजअप या मैक्रो शॉट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, क्लोजअप शॉट्स में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग फोटो सैंपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजअप शॉट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे डिटेल क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरे से आप लोग पोर्ट्रेट मोड वाले फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में जो फोटो कैप्चर होता है उसमें भी कभी कभार डिटेल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और साथ ही में एज डिटेक्शन भी कभी कभार अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होने की वजह से यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है और एज डिटेक्शन उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। और यहाँ पे सिर्फ पर्सन का ही नहीं, आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोर्ट्रेट मोड वाले यानी कि बैकग्राउंड ब्लर वाले फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। लो लाइट फोटोज़ की अगर बात करें तो लो लाइट में यहाँ पे बहुत ही ख़राब फोटो आते हैं। लो लाइट में यहाँ पे कोई भी नाइट मोड डेडिकेटेड नहीं दिया गया है, इसके वजह से लो लाइट में जो फोटोज़ आप कैप्चर करेंगे उस फोटो में डिटेल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो लो लाइट फोटोज़ यहाँ पे मुझे तो बहुत ही ख़राब लगे। और ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है कैमरे का, फिर भी यहाँ पे नाइट मोड इंक्लूड नहीं किया गया है। मेरा वीवो से यही सजेशन रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें नाइट मोड इंक्लूड करें और ताकि आप लो लाइट में भी अच्छे फोटोज़ कैप्चर कर पाए। तो ये तो हो गया रेयर कैमरे के फोटो सैंपल्स। अब अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट का जो 32 मेगापिक्सल कैमरा है काफ़ी अच्छा कैमरा है और इस बेस्ट रेंज के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फी कैमरे में जो फोटोज़ आते हैं उसमें डिटेल आप लोगों को काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, फोटोज़ काफ़ी क्रिस्प आते हैं। और यहाँ पे फोटोज़ में आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लियर है, साथ ही मैं जो टी शर्ट पहन के रखा हूँ टी शर्ट में भी आप लोगों को जो लोगो है वो भी क्लियरली शो हो रहा है, टी शर्ट का पैटर्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से शो हो रहा है। और मेरे बियर्ड में यहाँ पे
एक एक जो बेड है आप लोगों को ईजी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लैरिटी है काफ़ी अच्छा है और साथ ही में मोस्ट फोटोज़ में मैंने यहाँ पर ब्यूटीफाई मोड को ऑफ करके फोटो कैप्चर किया है तो काफ़ी अच्छे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि फेस थोड़ा ब्राइटन हो जाता है, नेचुरल कलर से थोड़ा ब्राइट फेस आता है, लेकिन फिर भी फोटोज़ देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि अगर आप लोग ब्यूटीफाई मोड को ऑन करते हैं तो वहाँ पर फेस स्मूथनिंग इफेक्ट आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई इफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से फोटोज़ देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लोग प्रेफर करते हैं ब्यूटीफाई मोड तो आप उसको भी एनेबल करके फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस बजट रेंज के अंदर में। Vivo Z1 Pro में भी आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन उसके कैमरे क्वालिटी से भी मुझे इसका कैमरा क्वालिटी बेटर लगा। तो अगर आप लोग सेल्फी क्लिक करना बहुत पसंद करते हैं तो ये फ़ोन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अंडर 20,000 रुपीज़ में मैंने जितने ही फ़ोन टेस्ट किया है उनमें से बेस्ट सेल्फी मुझे इस फ़ोन का लगा। वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे रियर कैमरे से आप मैक्सिमम फुल एचडी वीडियो तक कैप्चर कर सकते हैं और फुल एचडी वीडियो में भी यहाँ पे आप लोगों को EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही लेट डाउन है। EIS आजकल के सभी फ़ोन्स में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 10,000 के फ़ोन्स में आप लोगों को EIS देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इस फ़ोन में कोई भी EIS नहीं दिया गया है। एज अ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी है और वीडियो उतना अच्छा नहीं आता है। फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट कैमरे से वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी स्टेबलाइजर नहीं है, तो यहाँ पे भी वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा आपको देखने को नहीं लगेगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा शेक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फ्रंट कैमरे से वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डिटेल होते हैं और फ्रंट कैमरे से ब्यूटीफाई मोड को ऑन करके भी आप लोग वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, जो कि एक एडेड एडवांटेज है। तो दोस्तों ये था Vivo S1 का एक कैमरा रिव्यू। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।